हाँ जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहेब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? मैं जनाब बोल रहा थोड़ा होस्ट असगर अली शहजाद, तुसी मेरा चैनल यूट्यूब चैनल देख रहे हो शहजाद व्लॉग। आज जनाब चौधरी एसन साहब को आए हैं, इन्होंने इतने लाई है अपने घर बायोगैस, इहदा रिव्यू दिखाने मुकम्मल दोस्तों, फायदे तो काफ़ी है और काफ़ी सस्ती पैंदी है और सारा टोटल इहदा खर्चा वगैरह दस दें दोस्तों, किन्ना खर्चा आंदा किन्ना फायदा इहदा, और रिव्यू शुरू करते हैं ब्लॉग अपना। ब्लॉग एंड तक देखिए जी। सब तो पहले दोस्तों दिखा देना जनाब यदा सिस्टम जो लग्या होया, बाद तफसीली चौधरी साहब को लेने इन्फॉर्मेशन। ए जो खराज है यदा? हाँ जी। ए गोबर का खराज वगैरह इधरों बाहर निकल जाता, खेतों चला जाता, और सिस्टम उत्ते लगाया इन्होंने। प्रेशर वास्ते वजन पाया उत्ते? जी जी, प्रेशर वास्ते गैस बनती उपर है, बना के सिस्टम प्रेशर वास्ते वजन पाया भी प्रेशर ना गैस अंदर प्रेशर ना जाती है। पैप है जी गैस का उपरों आता नीचे घर जाता है भाई, उन्होंने फायदे तो माशाला बहुत है, ये बालन तो जान छुड़ती है, गैस तो सिलेंडर तो जान छुड़ती है। हाँ जी इतने जनाब जो सब गोबर इतने पाई दा? हाँ जी भाई, हाँ ए गोबर पाई दा तकरीबन एक रेड़ी है जी हाथ वाली होंगी है। हाँ जी हाँ जी, ये पाई दी है दूसरे तीसरे दिन बाद। अच्छा अच्छा। पा के पानी पा के मिक्स करके हल करके थले ढक्कन चक दी दा वा। अच्छा अच्छा। ये जनाब ताल च चल जाता थले, तो जरा हो जाता वा रिफ्यूज यानी कि जरा बाहर निकल जाता वा। तो फायदे यही है कि बस सिर्फ गोबर के पानी है, तो जनाब सानू तकरीबन दो साल हो गया लाए नू, तो असी नहीं आज तक सिलेंडर वगैरह लैके आंदा भरा के। फायदा तो बहुत है, सिलेंडर भी आजकल 3000 तकरीबन होया पिया, जिदा फिर सानू पता ही है जिनी महंगाई जा रही है। तो तकरीबन माशाला चलता वा, सर्दियों ए थोड़ा जहा यानी कि ना एवं 19-20 का फर्क पैंदा वा, घट जाती गैस, गैस घट जाती, प्रेशर थोड़ा घट जाता वा, तो गर्मियों के वाफर हो जाती है, फिर साइड तो लीक होंगी गर्मी में, गर्मी ना फिर जरा सिस्टम सही रहता। हाँ जी हाँ जी। गोबर तो अलावा कुछ पाने? नहीं कोई चीज़ नहीं, गोबर के पानी बस। अच्छा होर कोई चीज़? अच्छा अच्छा। बाकी तो रह गया खर्चा वगैरह, लवाई वगैरह की सिस्टम कि डूंगा होंगे खड्डा जहाँ से की खर्चा कि पहले जनाब तकरीबन 12 फुट थानू जो ना यहाँ टोया पुटना पैंता वा खड्डा जो। हाँ जी। यह 12 फुट खूह डूंगा वा। सही। तो यह जो 4 फुट यदा ड्रम है यानी कि गहराई 4 फुट है यदी, तो जी चुड़ाई है 7 फुट। अच्छा। ये तुम आपकी मर्जी ना चढ़ाई यानी कि वधा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, थोड़े ते जिन्ना के थोड़े घर का खर्चा खर्चे मुनासिब यानी कि 8 फुट कर लो, 12 फुट कर लो, 10 फुट कर लवो। तो खर्चा यदा उस टाइम आया थी तकरीबन 1.5 लाख रुपया आया। कितने साल हो गए? 2 साल हो गए, 2 साल तो उपर ही हो गए, मतलब डबल ला लो खर्चा यदा। हाँ जी, उदो बनया ड्रम जरा बनया 45,000 रुपए का, तो बाकी है कोई तकरीबन लगी थी इट लगी सीमेंट वगैरह लग्या, तो जी मजदूर की लेबर वगैरह यही बस यदा खर्चा तकरीबन 1.5 लाख रुपया खर्चा आया से ज़्यादा से ज़्यादा। तो तुम हूँ आप हिसाब ला लो सिलेंडर का की रेट है, तो जाहिर है सिलेंडर उन्हें बालन लगता तो कई लखन सिलेंडर बाल लेने से। हाँ जी बिल्कुल, 3000 तक सिलेंडर पहुँच गया तो ज्यादा कम, ये टेंशन कोई नहीं कि यानी कि सिलेंडर मुक गया तो भाजी के सिलेंडर चेक लो, तो ये कर लो तो वो कर लो, जो मर्जी बाल दे रहो बेफिक्र हो, खुले हाथ बालो, खुले हाथ दिन रात यानी कि इसे सिर्फ जी रोटी है वो असी बनाई दी है वो अग तो वह भी इतने बन जाती है, लेकिन थोड़ा जहाँ तुम्हें पता गैस से लेट बनती है तो उस जल्दी पक जाती वा, बाकी टोटली काम असी इसे ही करीदा वा। अगर थोड़े को ज्यादा वाफर मकदार है तो उसी ना ले जनाब जनरेटर ला लवो, असी हूँ जो घर इसरी वेदे से लाई है कपड़े इसरी करने वाली, वह प्रेशर वगैरह सही आता, प्रेशर बिल्कुल जबरदस्त आ रहा वा। सही, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, लवानी चाहिए, जो हालात है महंगाई की अजकल बिल्कुल हर घर की जरूरत हैगी। ये जनाब एक होर भी है, ये ड्रम वाला वा, एक कंक्रीट वाला आंदा वा, जड़ा ना कंक्रीट वाला वा वो हल्की फुल्की स्मैल आती है। अच्छा अच्छा। वो भी सिर्फ थोड़ा इन्हें एवं 10-15 दिन आऊगी फिर नहीं महसूस होंगी, वह यह है कि वह प्रेशर जरा ये ज्यादा होंगे वा। अच्छा कंक्रीट वाले? हाँ जी कंक्रीट वाले का उपर भी पैंता सिस्टम है, वो उपर कंक्रीट पै जाता लेंटर पै जाता। अच्छा फिक्स हो जाता? फिक्स हो जाता वै, ड्रम नहीं वे चलोए वाला यूज हों, यानी कि कंक्रीट लेंटर पै जाता। सस्ता पैंता या महंगा? वो ये सस्ता पैंता लेकिन वो इन्ना पायदार नहीं है, वह लेंटर फटन का खर्च ज्यादा ना खतरा होंगे वा, क्योंकि अगर गैस ज्यादा हो जाए तो लेंटर फट भी जाता वा। ये अगर थोड़ा गैस ज्यादा हो गया ड्रम उपर चक्या गया साइडा तो दिखा देखो तुम जरा जगह छड़ी हुई है। हाँ जी हाँ जी।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੂ ਡਰਮ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਟੈਂਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲਵਾਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ मर्जी तुसीं खाना बनाओ रोटियां उपर बनाओ बेशक इहदी अग ते रोटी सेक भी लवो कुछ भी नहीं बिलकुल नहीं महसूस हुंदा ऐदां लगदा जिद्दां जिहड़ी मार्केट वाली गैस उसे ते चलो जी दोस्तां नूं रिव्यू दिखाता कंप्लीट तफसीली रिव्यू आ बाकी भाई उन्होंने बड़ा शुक्रिया जाम ने सू टाइम दिता ठीक है जी साहब अल्लाह हाफिज़।